अब तक इन 8 राज्यों में फैला बर्ड फ्लू, कानपुर चिड़ियाघर के सभी पक्षियों को मारने के आदेश। घातक कोरोना वायरस महामारी के बीच देश में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ता जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अब तक 8 राज्यों में बर्ड फ्लू के मामलों की पुष्टि हो चुकी है। मामलों को देखते हुए राज्य सावधानियां बरत रहे हैं, जिसमें पक्षियों को मारना, चिड़ियाघरों, बर्ड सेंचुरीज को बंद करना आदि शामिल है। पशुपालन और डेयरी विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है कि अब तक केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू के मामले मिले हैं। दिल्ली में भी कोए मरे हुए मिले थे, फिलहाल उनके सैंपल टेस्ट होने के लिए भेजे गए हैं। अब तक 4,235 पक्षी ऐसे हैं जिनके बर्ड फ्लू के चलते मारे जाने का शक है। पिछले कई दिनों से राज्य के अलग अलग हिस्सों में कौओं को मारे जाने के मामले भी सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र के परभणी और लातूर में बर्ड फ्लू का एमपी सेंटर मिला था। इसके बाद पशुपालन आयुक्त ने 1 किलोमीटर की रेंज के सभी पक्षियों को मारने के ऑर्डर दिए थे। अब वहां 10 किलोमीटर की रेंज तक सर्विलांस जोन बनाया गया है। यूपी में भी बर्ड फ्लू को देखते हुए सारी सावधानियां बरती जा रही है। चिड़ियाघर, बर्ड सेंचुरीज को बंद किया गया ताकि लोग किसी तरह के पक्षियों के नज़दीक ना आ सके। दरअसल कानपुर के चिड़ियाघर में 2 जंगली पक्षियों की मौत हुई थी। दोनों ही बाद में बर्ड फ्लू से संक्रमित पाए गए थे। बर्ड फ्लू की दहशत की वजह से उत्तर प्रदेश में कानपुर चिड़ियाघर के सभी पक्षियों को मारने के आदेश दिए जा चुके हैं। चिड़ियाघर में 2 दिनों में 10 पक्षियों की मौत हुई थी, जिनमें से 4 पक्षियों के सैंपल जांच के लिए लैबोरेटरी भेजे गए थे। वहां से आई रिपोर्ट में 4 पक्षियों में बर्ड फ्लू के वायरस पाए गए हैं। वहीं लखनऊ जू का बर्ड सेक्शन बंद कर दिया गया है। आसपास के राज्यों में बर्ड फ्लू के फैलने के बाद पंजाब भी सतर्क हो गया है। मुर्गी पालन से जुड़े लोगों को इसके बारे में हर संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है।